में ये स्मारक बनाया गया है। ये ना भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, लगभग 7 लिए दोस्तों, क्योंकि इस जगह की हाइट ना थोड़ी ज्यादा ही है, तो जो नीचे से ट्रेन आती है जो ऊपर से, और जब टॉय ट्रेन या गोल चक्कर काटती है तो बहुत खूबसूरत वो नज़ारा होता है इन पहाड़ियों को मिला। मैं निकल गया अपने हॉस्टल से और आज दोस्तों ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ टॉय ट्रेन पूरे 360 डिग्री में टर्न लेती है। और यार इस भीड़ भाड़ में देख रहे हो भाई, इस भीड़ भाड़ में लिफ्ट मिलेगा यार? एक बस मिल जाता ना, कल जैसे एक बस जा रहा था, खैर उसमें गए नहीं थे, लेकिन बस में सिर्फ 10 रुपये में पहुंच जाऊंगा मैं घूम तक। तो चलो मैं थोड़ी दूर आगे पैदल चलता हूँ और उसके बाद देखते हैं कैसे जाना है। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। यार मेरा तो प्लान था पहले बतासिया लूप को कवर करने का, लेकिन हुआ ऐसा कि मैं हॉस्टल से 100-150 किलोमीटर कुछ अब पैदल आगे निकल गया था, फिर पीछे से एक बस आ रही थी तो दोस्तों मैं बस में ही बैठ गया। यार क्योंकि घूम स्टेशन ना ये दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और बतासिया लूप 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो बस मुझे मिल गया था इसलिए मैं सीधा घूम स्टेशन ही आ गया। और आठ किलोमीटर का दोस्तों मुझे टिकट पड़ा 20 रुपये का, ये एक प्राइवेट बस था तो 20 रुपये का मुझे टिकट पड़ा। और यहाँ एक सरकारी बस भी चलता है नीले रंग का रहता है वो, तो उसमें ना 10 रुपये पड़ता, और टैक्सी में यार 30 या 40 रुपये पड़ जाता दार्जिलिंग से घूम स्टेशन 8 किलोमीटर। तो चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले घूम स्टेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और ये है घूम रेलवे स्टेशन। इसकी हाइट की बात करूं तो ये दोस्तों ये ना भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, लगभग 7400 फीट इसकी ऊंचाई है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये। और इस तरह से मतलब प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, ये एक प्लेटफार्म हो गया और वो दूसरा प्लेटफार्म हो गया। जो टॉय ट्रेन उधर से आती है वो यहाँ आकर खड़ी हो जाती है और इंजन मतलब उसका उधर से ऐसे मुड़ के सामने जाती है, फिर वो ट्रैक चेंज करके वापस आती है और बोगी में उसको अटैच किया जाता है और फिर वो टॉय ट्रेन चलती है। तो यही दो प्लेटफार्म है यहाँ घूम स्टेशन में। उधर जो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं ना वो मतलब इंजन उधर से टर्न होके आता है उसके लिए है। और जस्ट घूम स्टेशन के बगल में ही एक दार्जिलिंग हिमालय रेलवे एक म्यूजियम है लग रहा है मुझे। अब यहाँ टिकट कितना होगा क्या होगा यार आइडिया नहीं है, वैसे अंदर तो भी नहीं जाऊँगा मैं, जल्दी से कवर करके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो यही है दोस्तों यहाँ का प्लेटफार्म घूम स्टेशन का, और ये इसके बाजू में ही है एक म्यूजियम, घूम म्यूजियम। चलिए इसके बारे में थोड़ा किन्हीं सर से मैं पूछ लेता हूँ, अंदर तो वैसे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दीदी से मैं पूछ ही रहा था ये म्यूजियम के बारे में, तो वो बता रही कि 20 रुपये ना इसका टिकट है और म्यूजियम में यार कैमरा वीडियोग्राफी ये सब अलाउ नहीं है। और म्यूजियम ना यहाँ अंदर जाके वहाँ से सीढ़ी है, तो ये स्टेशन के जस्ट ऊपर में ये म्यूजियम। Broken anymore, scars, bruises and all.
का टिकट घर, लेकिन यार यहाँ मतलब टिकट नहीं मिलता। आज दार्जिलिंग से यहाँ का टिकट मिलता है, दार्जिलिंग से यहाँ भूमि स्टेशन आती है, यहाँ से रिटर्न होकर वापस जाती है, पूरा राउंड मारती है, तो टिकट ना दार्जिलिंग से ही मिलता है। और जैसे एक सर बोल रहे थे कि कभी कभार ट्रेन खाली हुआ तो टिकट मिल जाता है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों ये टॉय ट्रेन ना टिकट खाली होता ही नहीं, सब पहले से बुक हो गया रहता है। तो टिकट आपको दार्जिलिंग से ही मिलेगा या आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था यार रेलवे स्टेशन भूमि स्टेशन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। और ये वाला दोस्तों मतलब दार्जिलिंग का उधर चले जाएंगे, उधर से मैं आया, और ये वाला रास्ता सिलीगुड़ी जाएगा। आप सिलीगुड़ी से आएंगे इस रास्ते से और आगे निकल जाएंगे दार्जिलिंग, और यही रोड से ही एकदम अटैच है ये घूम स्टेशन, अब पास में ही है। और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये चला जाएगा लेपचा जगत के लिए, ये वाला सिलीगुड़ी और ये वाला लेपचा जगत के लिए चला जाएगा, और इधर आगे जो आप देख रहे हैं ये चला जाएगा दार्जिलिंग के लिए। Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. कोहरा से यार यहाँ स्वागत हुआ, यहाँ भी मौसम पूरा सुहाना हो गया है। ये सामने आप लोग देखिए, चलिए चलते हैं उस पार, कितना टिकट रहता है क्या है कैसा है देखते हैं, और जल्दी से इसको भी कवर करके यहाँ से निकलना है क्योंकि भाई वीडियो भी एडिट करना है। रास्ता इधर से मैं जस्ट आया और अभी देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और चलिए चलते हैं धीरे धीरे क्या है कैसा। और ये दोस्तों बता सिया लूप में उधर ऊपर जाने से पहले का व्यू कुछ इस तरह का है, यहाँ कुछ दुकानें भी हैं, कपड़ा का भी शॉप है। तो इस तरह से आप इस ठंडा मौसम में गरम गरम खाना गरम गरम हो रहा है खाना। आप कहाँ से हैं दादा? कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से। मैं तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। अच्छा यही बंगाल से हैं? अच्छा 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 ना वहीं से। अच्छा चलिए बढ़िया, ये घूम लिया बता सी लो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा आप यहाँ और पहले कभी आए होंगे? नहीं नहीं मैं गंगटोक दो तीन बार आया, लेकिन गंगटोक इधर आया। अच्छा यहाँ बता सी लो पहली बार है आपका भी? पहली बार। अच्छा चलिए मैं भी पहली बार यहाँ आया हूँ। और यार टिकट तो मैंने ले ली है, 30 रुपए का टिकट पड़ा भाई, ये वो भी पूरा मैं मोड़ डाला हूँ उसको। कितने? यस सर वन टिकट। अरे यार पानी गिरना भाई शुरू हो गया, और इधर मतलब अच्छा वहाँ एक शेड है, चलिए चलते हैं। तो 30 रुपए का टिकट पड़ा भाई, आप बाकी चीज़ों में जितना भी बचा लें, जहाँ टूरिस्ट प्लेस में आप जाएंगे ना टिकट का आपको देना ही पड़ेगा। चलो यार भाई मौसम हुआ साफ, एक डेढ़ घंटा भाई यही मैं वेट किया, अब मौसम खुला है, अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं बताशे लूप क्या है कैसा है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये जो सामने आप सेट देख रहे हैं ना, ये यहाँ करीबन एक घंटा तक मैं वेट किया, मतलब पानी भी गिरा आधा घंटे तक, 3-4 टॉय ट्रेन आके यहाँ से चली गई, और अभी पानी रुका है और धूप अच्छे से है, तो अभी जाके मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ।
दोस्तों, जब आप टॉय ट्रेन का सफ़र करते हैं तो आपके पूरे सफ़र के दौरान सिर्फ एकमात्र जगह ऐसा आएगा जब टॉय ट्रेन एक पूरा गोल चक्कर काटती है, बस वही जगह है बतासिया लूप। और ये जो पीछे आप स्मारक देख रहे हैं ना, और दोस्तों पूरे देश से, पूरे कंट्री से स्वतंत्रता के बाद से आज तक जितने भी गोरखा जवान देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए, मतलब उनकी स्मृति में ये स्मारक बनाया गया है। और दोस्तों यहीं से यार आप मतलब पूरे दार्जिलिंग का व्यू भी देख सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये लगेगा आपका, और यहाँ आप लेंस के माध्यम से पूरे दार्जिलिंग का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। इस जगह को भी अंग्रेजों ने ही बनाया है। इस जगह के बारे में आपको बताऊं तो ये ऐसा जगह है, एक तो हाइट में है, और टॉय ट्रेन यहाँ आके 360 डिग्री में पूरा मतलब यहाँ टर्न लेती है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस जगह की हाइट ना थोड़ी ज़्यादा ही है, तो जो नीचे से ट्रेन आती है, जो ऊपर से ट्रेन नीचे साइड उतरती है, तो उसके लिए मतलब हाइट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो मतलब जो हाइट है, ऊंचाई है, उसको कम करने के लिए इस जगह को बनाया गया था। और दोस्तों यहाँ आपको लोकल ड्रेस भी मिल जाएगा, जो आप पहनकर अगर फोटो खिंचाना चाहते हैं तो उसका एक ड्रेस का 50 रुपये लगता है। हाँ, इस तरह से आपको यहाँ दार्जिलिंग का लोकल ड्रेस भी मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों बतासिया लूप। टॉय ट्रेन यहाँ पूरा गोल चक्कर काटती है, फूलों का मस्त बगीचा है, एक स्मारक है, और जब टॉय ट्रेन यहाँ गोल चक्कर काटती है तो बहुत खूबसूरत वो नज़ारा होता है, पहाड़ियों को मिला के। तो यार अब 2 बजने वाला है भाई, बहुत भूख लगा है, जल्दी से अब चलना चाहिए यहाँ से।